छत्तीसगढ़ की कांशी के नगरी के नाम से पहचाना जाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मेश्वर शिवलिंग दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भक्तों का तांता लगा रहता है। 1.25 लाख छिद्रों से स्थापित शिवलिंग की विशेष महत्व माना जाता है। यहां आकर श्रद्धालु 1.25 लाख चावल चढ़ाने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और बड़े दूर दराज से लोग यहां आकर बड़ी श्रद्धा भक्ति आस्था का केंद्र माना जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों का यह फल की प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग की स्थापना खरदूषण राज प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में काशी की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले से रात 12 बजे से श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना कर जल अभिषेक के लिए लंबी कतार लगी रहती है और यहां से दर्शन कर महानदी में स्नान कर भगवान सबरी माता नर नारायण भगवान की पूजा अर्चना कर शिवरी नारायण मेले में समापन होता है, जिसको लेकर शिवरी नारायण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जी, कैमरामैन को कहना चाहूंगा किस प्रकार से धार्मिक नगरी खराद में श्रद्धालुओं को भीड़ उमड़ी हुई है। कैमरामैन कैमरा को घुमा के दिखाएंगे, देख सकते हैं किस कदर कहा जा सकता है। कोरोना काल के बाद यह कहा जा सकता है महाशिवरात्रि मांगी पूर्णिमा का ये लास्ट दिन अंतिम दिन है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे श्रद्धालु इस प्रकार से यहाँ दर्शन कर रहे हैं महादेव का, जिसे साफ तौर पर कैमरा के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ का जो पुजारी है महाराज जी जिसे कहते हैं, उसका कहना है कि 50,000 से अधिक जनसंख्या यहाँ देखी गई है, जिसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं यहाँ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मान्यता है और किस मान्यता के हाले तक पहुँचे हुए संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ बुढ़िया आपका? मेरा नेहल साहू। अच्छा, कहाँ आए हैं और क्या कुछ मान्यता के लेके आए हैं बताएंगे? हम लोग गांव से आए हैं और हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। जी, आप कहाँ से आए बुढ़िया? मैं भी खड़गांव से आई हूँ, हम यहाँ पूजा करने आए हैं। जी, यहाँ कुछ और श्रद्धालु हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, यहाँ कुछ और श्रद्धालु पहुँचे उससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? प्रथम अपना परिचय बताएं। जी, कहाँ रहते हैं? जी, क्या कुछ मान्यता को लेकर और किस मंदिर में पहुँचे हैं और क्या बताएंगे? जी, क्या कुछ मान्यता, कितने दिन हो गया है मंदिर को, क्या कुछ मान्यता है बताएंगे? जी, इधर कुछ और श्रद्धालु मौजूद है उससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मान्यता को लेकर आप पहुँचे हैं और कहाँ पहुँचे बताएंगे हमारे दर्शक? ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत बहुत पूरा छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं यहाँ। यह जो भी मंगन मानते हैं पूरा हो जाता है। जी, आज कौन सा दिन है दीदी और क्या? आज महाशिवरात्रि है, शिव पार्वती का मतलब शादी सालगिरह भी है समझो, और उन लोग का शादी हुआ था आज के दिन में, और यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा हो जाता है यहाँ लक्ष्मेश्वर मंदिर में। अन्य प्रदेशों से मेले का आनंद उठाती है। यहाँ 15 दिवसीय मेला लगता है, जो माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक विशाल मेला आयोजन किया जाता है। मेले में तमाम सभी चीजें, झूला, सर्कस, मौत का कुआं, सिनेमा हॉल, कॉस्मेटिक, कपड़े दुकान, चाट मंचूरियन, मीना बाजार, खजाना, खिलौना दुकान आदि लगती है। खरोद नगर से शुभम मिश्रा की खास रिपोर्ट। देवों के देव नगरी जो छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले नगर खराद में अभी मौजूद हूँ और महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित है, उसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्राचीन मंदिर की क्या कुछ मान्यता है इस संबंध में। सर, महाराज जी पहले बताएंगे अपन परिचय और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर को लेकर हमारे जो दर्शक हैं उसको बताने कोशिश करेंगे। मेरा नाम शिवकुमार मिश्रा पुजारी जी, खराद। इस मंदिर की मान्यता तो ये है कि इसके गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है वो अद्भुत और अलौकिक है। जी, इसके ऐसी मूर्ति विश्व में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी, क्योंकि 1.25 लाख लिंग में ये विराजित है। जी, उसमें 2 कुंड हैं और दोनों कुंड में सदैव जल भरा रहता है। जी, जिसका जल न तो कभी सूखता है और न उसमें जल डालने पर वो बढ़ता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रत्येक लिंग के हिसाब से उसमें एक एक दाने चावल के चढ़ाए जाते हैं, जो लखर के रूप में या अभी के वर्तमान समय में हम 1.25 लाख चावल के दाने के रूप में उसको हम पोटली में बंद करके चढ़ाते हैं। जी, महाराज जी बताएंगे कितना प्राचीन मंदिर है और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, क्या कुछ मान्यता को लेकर आते हैं इस संबंध में बताएंगे। ये मंदिर तो ऐसे 8वीं सदी की बनी हुई है जी, और मूर्ति जो है वो है त्रेता युग की जी, और ईशान देव उसके पुत्र
चंद्रबल और उसके पुत्र ईशान देव ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। उनके दिवंगत होने के उपरांत में उसका जो पुत्र था उसने विचार किया कि मंदिर क्योंकि बृहदाकार में बन रहा है और मेरी भी आयु क्षीण हो जा रही होने वाली है, इसलिए मंदिर को उन्होंने संकीर्ण कर दिया तो मंडप और गर्भगृह छोटा बन गया। मान्यता ये है कि दूर देश से भी श्रद्धालु आते हैं, बीच में फ्रांस से और ब्रिटिश से भी लोग यहाँ पर आए थे। जी बताएंगे महाराज जी, आज क्या जनसंख्या रही होगी आज का महाशिवरात्रि पर्व पर? आज तो वैसे जिस हिसाब से हमने विचार किया था कि श्रद्धालुओं की संख्या कम रहेगी जी, उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है जी। लगभग 50 से 60 हजार के बीच में श्रद्धालु दर्शन करके यहाँ से जा चुके हैं जी।